लेक्चर में हमने जनरल जो कॉन्सेप्ट्स थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, या बेसिक इंट्रोडक्शन कह लें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। आज हम स्टार्ट करेंगे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स आर अ क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंसिस्ट इंटायरली ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम अरेंज इन स्ट्रेट लाइन ब्रांच चेन आर नॉन एरोमेटिक रिंग्स। क्या होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स में? ये हाइड्रोकार्बन से, सॉरी एरोमेटिक नहीं, आज हमने पढ़ना है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो क्लास है जिसमें आप स्टडी करते हैं हाइड्रोजन और कार्बन के उन कंपाउंड्स को जो या तो स्ट्रेट चेन में अरेंज्ड होते हैं, या ब्रांच चेन में, या नॉन एरोमेटिक रिंग्स में। मतलब साइक्लिक वो हो सकते हैं, लेकिन फिर साइक्लिक में एरोमेटिसिटी नहीं होनी चाहिए। जो एरोमेटिक कंपाउंड, उनको हम अलग क्लास में स्टडी करते हैं, उनको हम एलिफैटिक के साथ मर्ज नहीं करते। मेनली जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें हम ओपन चेन कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं, और उन ओपन चेन में अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइन्स तीनों क्लासेस इंक्लूड होती हैं। तो अल्केन्स जो हैं, इनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें कार्बन की जो चारों वैलेंसीज होती हैं, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, ये हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। तो इस टेट्रा वैलेंसी के जो चारों कार्बन की वैलेंसीज है, अगर वो सेटिस्फाई होती है थ्रू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन और हाइड्रोजन जब भी लिंक करते हैं हमेशा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही बनता है, क्योंकि हाइड्रोजन मैक्सिमम एक ही बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन एक से ज़्यादा बना ही नहीं सकता। जहाँ पे डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की हम बात करते हैं, तो वहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन का डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होता है, या कार्बन कार्बन का ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो अल्केन्स हाइड्रोकार्बन्स की वो क्लास है जिनमें कार्बन की चारों वैलेंसीज जो होती हैं वो थ्रू सिंगल बॉन्ड सेटिस्फाई होती हैं। इनको पैराफिन्स भी कहते हैं। इनको पैराफिन्स क्यों कहते हैं वो आगे हम इसकी रीज़न देखेंगे भी। पैरा का मतलब होता है लेस, अफिन्स मतलब अफिनिटी या रिएक्टिविटी। ये लेस रिएक्टिव होते हैं। क्यों लेस रिएक्टिव होते हैं उसकी रीज़न भी हम देखेंगे आगे, कि इनमें इनर्टनेस किस वजह से होती है। उसके बाद जो हमने डिस्कस करना है वो अल्केन्स के बारे में है। अल्केन्स को भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें कार्बन की जो वैलेंसीज होती हैं वो सेटिस्फाई होती हैं थ्रू डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के। अब डबल बॉन्ड के लिए एटलीस्ट टू कार्बन्स का होना कंपल्सरी है, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ कार्बन डबल बॉन्ड के जरिए लिंक नहीं कर सकता। तो अल्केन्स की सीरीज का जो सिंपलेस्ट मेंबर होगा उसके अंदर भी एटलीस्ट टू कार्बन लाजमी होंगे। यानी जो अल्केन्स की सीरीज है वो स्टार्ट होती है एक कार्बन वाले कंपाउंड से, मीथेन से, लेकिन जो अल्केन्स की सीरीज है वो स्टार्ट होती है टू कार्बन वाले कंपाउंड से, यानी इथेन से। इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। जो आपने अभी ऊपर अल्केन्स के बारे में देखा है उनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा तो दोनों कार्बन जो एडजेसेंट होंगे, जिनके दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा, उन दोनों का एक एक बॉन्ड कम, एक एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, इसलिए इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। जैसे आपके पास इथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटीन है, तो ईन का जो सोफिक्स है वो आप यूज़ करते हैं अल्केन्स के लिए। उसके बाद आपने देखना है अल्काइन्स के बारे में डिटेल में, कि ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इनमें ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब जब ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा दो कार्बन्स के दरमियान, तो एक एक हाइड्रोजन फर्दर रिड्यूस हो जाएगा इनका। तो अल्केन्स का जनरल फार्मूला था CnH2n, अब दो हाइड्रोजन मजीद कम हो गए तो ये हो जाएगा CnH2n-2। और इनके लिए जो सफिक्स यूज़ होता है वो होता है आइन का, जैसे इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन वगैरह। और जो अल्काइन्स की सीरीज है ये भी टू कार्बन वाला इसका इनिशियल मेंबर होता है, क्योंकि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए भी कम से कम दो कार्बन होना लाजमी है जिनके दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन सके। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन काफ़ी नेचर के अंदर अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं, मेनली नेचुरल गैसेस वगैरह के फॉर्म में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वैक्सेस वगैरह जो हैं, इनको हम डिफरेंट रॉ मटेरियल्स के थ्रू प्रिपेयर भी करते हैं। तो वो सारी बातें भी आप डिटेल के साथ देखेंगे। तो मेनली एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स में आपने स्टडी करना होता है हाइड्रोकार्बन जिनमें
अलगेन से अल्काइन से और अल्का डाइइंस। अल्का डाइइन कोई न्यू चीज़ नहीं है, बस ये उसी को फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। इसमें होता ये है कि इंस वही है, मतलब आपके पास होगा वही कि डबल बॉन्ड तो होगा, लेकिन अब अगर आपके पास डबल बॉन्ड दो हो जाए तो फिर वो डाइइंस बन जाती हैं। तो उनको आप यहाँ पे एक अलग क्लास के तौर पे भी स्टडी कर सकते हैं, और अल्केन्स के अंदर भी ये इंक्लूड ही होते हैं। हम स्टार्ट करते हैं अल्केन से। अल्केन्स को जैसे हमने ऊपर भी कहा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है, ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन होता है। अब कार्बन एंड हाइड्रोजन जब आप मेंशन कर देते हैं तो उसके बाद अगर आप सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का वर्ड यूज़ नहीं भी करते तो ऑटोमेटिकली ये क्लिक हो जाता है कि कार्बन और हाइड्रोजन ऑलवेज जो कनेक्ट होते हैं वो थ्रू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही होते हैं। अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ओपन चेन सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, इन्हें हम अल्केन्स कहते हैं। इनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है जो कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और कार्बन हाइड्रोजन लिंकेज होता है। जनरल फार्मूला इनका CnH2n+2 होता है। एन यहाँ पे नंबर होता है, 1, 2, 3, 4 कुछ भी आपके पास हो सकते हैं। मीथेन इथेन के बारे में जनरल आपने कल भी देखा था कि इनके जो सीरीज का स्टार्ट वाला मेम्बर होता है वो मीथेन होता है, फिर इथेन प्रोपेन ब्यूटेन एंड सो ऑन। ये आगे उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी आप देख सकते हैं। कार्बन की टेट्रावेलेंसी को भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि कार्बन जो है वो चार हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट है, तो इसका मतलब है ये चार बॉन्ड्स बना रहे हैं। यहाँ पे आप देख लें कि एक कार्बन कार्बन का बॉन्ड है और बाकी फर्दर थ्री जो हैं दोनों कार्बन के वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड्स हैं। वाई अल्केन्स आर नोन एज पैराफिन्स। पैराफिन्स कहने की जो रीज़न होती है वो होती है इसलिए कि ये लेस रिएक्टिव है। अब ये लेस रिएक्टिव इसलिए है कि ये नॉन पोलर होते हैं और इनमें इनर्टनेस होती है सिग्मा बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से। नॉन पोलर बॉन्ड का क्या मतलब है कि हाइड्रोकार्बन जो है इनमें कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 होती है और हाइड्रोजन की 2.1। ये कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता इनमें, इसलिए इनमें पोलैरिटी इंड्यूस नहीं होती, यानी पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस नहीं आते। और जो नॉन पोलर होते हैं फिर जो आयोनिक रिएजेंट्स वगैरह होते हैं वो उनके साथ रिएक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद है इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, यानी दूसरी रीज़न ये होती है कि कार्बन कार्बन जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ये सिग्मा होता है। सिग्मा बॉन्ड हम देख चुके हैं कि ये हेड टू हेड ओवरलैप के रिजल्ट में बनता है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियस ज़्यादा होती है, इसलिए इस पर अटैक करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, ये स्टेबल होता है बॉन्ड। तो इन रीजंस की वजह से अल्केन्स लेस रिएक्टिव होते हैं और इनको हम पैराफिन्स कहते हैं। तो इन जनरल अगर आप कंक्लूड करें तो आप ये कह सकते हैं, पहली बात तो कि इनमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो सिग्मा है, वो स्ट्रॉन्ग है, उसको ब्रेक करना डिफ़िकल्ट है, आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। दूसरी बात ये होता है कि इसकी नॉन पोलर नेचर, और थर्ड ये कि इसके अंदर डायरेक्टली कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता। जैसे बाकी हम देखते हैं ना कि अल्केन्स में डबल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो एज आ फंक्शनल ग्रुप एक्ट कर रहा होता है, अल्काइन्स में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड एज आ फंक्शनल ग्रुप एक्ट कर रहा होता है, इनके अंदर होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की सारी क्लासेस में आपको मिलेगा, मतलब आप अगर अल्कोहल को भी देख लें तो उनमें भी कार्बन कार्बन के अंदर बॉन्ड तो सिंगल होता है। तो इटसेल्फ इनके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं होता कि जो डायरेक्टली रिएक्शन को इनिशिएट करवा सके। सोर्सेस की बात करें, आप इनको डिफरेंट सोर्सेस से हासिल कर सकते हैं, प्लांट्स और एनिमल। यहां से तो हमने इनके जनरल सोर्सेस में भी बात की थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो प्लांट और एनिमल से तो हम ले ही सकते हैं, जितने भी बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। इसके अलावा जो नेचुरल गैस होती है, बाकी जो फ्यूल गैसेस होती हैं, कोल वगैरह जो है, इन सब के अंदर हाइड्रोकार्बन अल्केन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। मीथेन, इसको हम मार्श गैस भी कहते हैं, जो कि डिके के रिजल्ट में बनती है जब प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ की बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होती है, तो उस दौरान गैस रिलीज होती है, वो मीथेन होती है। ब्यूटेन जो है वो लाइटर्स के अंदर फ्यूल के तौर पे भी यूज़ होती है, इस तरह से जो कैंपिंग स्टॉव्स होते हैं उनके अंदर भी ब्यूटेन यूज़ होती है। व्हाई मीथेन इज़ कॉल्ड मार्श गैस। मार्शी एरियाज होते हैं जिन्हें हम उर्दू में दलदली इलाके भी बोलते हैं, जहाँ पे दलदल ज़्यादा होती है, तो मीथेन जो है इसको मार्श गैस भी कहा जाता है, क्योंकि ये डिके के रिजल्ट में बनती है जब आपके पास ऑर्गेनिक मैटर का लाइक
प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, जब इन टिश्यूज़ पे इनकी जब मतलब आप इनको फेंकते हैं, इनकी डेथ होती है, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होती है, उस दौरान ये गैस जो है वहाँ से रिलीज होती है। तो मिथेन इज़ द सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज बिसाइड बींग अ कम्पोनेंट ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर भी आपको मिथेन मिलता है। नेचुरल गैस का ये एक मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है। नेचुरल गैस के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 80% जो है वो मिथेन होती है। तो ये मार्शी एरियाज़ में मेनली बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन के रिजल्ट में बनती है, इसलिए इसको मार्श गैस भी कहा जाता है और मिथेन तो वैसे इसका नेम है ही। इसके अलावा जो आपके पास माइंस वगैरह होती है उनके अंदर भी ये रिलीज होती है, कोल माइंस जो होती है। आप इनको बना कैसे सकते हैं? अब जो प्रिपरेशन मेथड्स हैं इनमें जो ज़्यादा सिंपलेस्ट वाले जो आपकी मेट्रिक की बुक में भी मेंशन है वो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किए कि वो बहुत सिंपल है, सिंपल है। आप लोग उनको डायरेक्टली भी रीड करेंगे तो इजीली आपको समझ आ जाएगी। जैसे कि जो अगर आपके पास है अल्कीन्स, आपने अल्कीन को कन्वर्ट करना हो अल्केन में तो आप कर सकते हैं। अल्कीन में डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, आपने उस डबल बॉन्ड को ब्रेक करके सिंगल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आप उसके सिंपल है कि हाइड्रोजिनेशन करवा लें। हाइड्रोजिनेशन के रिजल्ट में जो आपका अल्कीन होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्कीन में। सेम अगर आपके पास अल्काइन है, आप उसकी हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं तो वो भी अल्केन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे हम दो मेथड्स को डिस्कस करेंगे, एक हम वर्ड्स रिएक्शन को देखेंगे। अब यहाँ से ना साथ साथ आपके बाय नेम रिएक्शन भी कवर हो रहे हैं, तो अगर आप लोग बाय नेम रिएक्शन के अलग से नोट्स बनाते जाएंगे साथ साथ तो वो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल होंगे। वर्ड्स रिएक्शन जो है इसको वर्ड सेंसेस भी बोलते हैं। ये हम मोस्टली यूज़ करते हैं जब हमने हायर सिमेट्रिकल अल्केन्स को बनाना होता है, और कोरे हाउस सिंथेसिस हम करते हैं जब आपने हायर अनसिमेट्रिकल अल्केन्स को प्रिपेयर करना हो। इसको कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं, कपलिंग ऑफ अल्काइल हैलाइड विद ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स। तो इन दोनों प्रोसेसेस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाकी जो आपकी बुक में है जिनमें आपके पास एक तो यही हाइड्रोजिनेशन वाला होगा और दूसरा रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, बेहद सिंपल सा मेथड है, वो भी आप लोगों ने माइंड में रखने हैं उनके कैटलिस्ट वगैरह कंडीशन वगैरह, क्योंकि एमसीक्यूज में इसी तरह की बातें आपसे पूछी जा सकती है। या यूँ पूछा जा सकता है कि अनसिमेट्रिकल अल्केन्स को बनाने के लिए आप कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं, या सिमेट्रिकल अल्केन्स को बनाने के लिए कौन सा यूज़ करते हैं। तो ये बेसिक बातें आपने लास्ट में अपने माइंड में रखनी है। वर्ड्स रिएक्शन की बात करें तो इसमें जो कैरियर होता है, जो सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं, वो एनहाइड्रस डाई इथाइल ईथर होता है। एनहाइड्रस डाई इथाइल ईथर को ड्राई ईथर भी कहा जाता है। ये एक अच्छा सॉल्वेंट होता है वर्ड्स रिएक्शन में। वर्ड्स ये बाय नेम रिएक्शन है, ये साइंटिस्ट का नेम था वर्ड्स जिन्होंने ये रिएक्शन परफॉर्म करवाया था। जो बाय नेम रिएक्शन होते हैं उनकी कंडीशन को आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो आप एज इट इज़ उस साइंटिस्ट के काम को जो है वो देख रहे हैं कि जो साइंटिस्ट काम परफॉर्म कर चुके हैं, तो उसमें एग्जैक्ट आप लोगों ने कंडीशन याद रखना होती है। वर्ड्स रिएक्शन बड़ा यूजफुल रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हायर अल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए। कैसे करते हैं? वर्ड्स ने किया ये था कि अल्काइल हैलाइड के टू मॉलिक्यूल लिए और उनको रिएक्ट करवाया, ट्रीट करवाया सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और बना क्या आपके पास, ये है आपके पास जनरल प्रिपरेशन मेथड। ये आपने अल्काइल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल लेने होते, एक ये ले लिया आपने, एक ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ओपन किया गया। आप इनको इकट्ठा भी लिख सकते हैं। तो होगा कि जब आप सोडियम मेटल के साथ उसको ट्रीट करवाओगे, सोडियम इस हैलोजन के साथ मिलके सोडियम हैलाइड और इसके साथ भी मिलके सोडियम हैलाइड, तो ये आपके पास सोडियम हैलाइड के दो मोल्स बन जाएंगे। और जब ये हैलोजन यहाँ से निकलेगा तो इस अल्काइल में जो भी एडजेसेंट कार्बन होगा उसका एक बॉन्ड कम हो जाएगा और यहाँ वाले कम है, तो ये म्यूचुअली लिंक करके फिर अल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी ये सिंपल कपलिंग हो रही है आपके पास। अब चूंकि यहाँ पे दोनों अल्काइल जो है वो सेम है, तो इसलिए इसके रिजल्ट में जो अल्केन्स आपके पास बनते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्रिकल का मतलब है कि आप उनको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये आपके पास है मिथाइल ब्रोमाइड, आपने सोडियम के साथ ट्रीट करवाया तो सोडियम ब्रोमाइड के दो मोल्स बन जाएंगे और मिथाइल मिथाइल के साथ कपल करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इथेन के अंदर। इसी तरह से आप इथाइल क्लोराइड के साथ करवाएंगे तो दो कार्बन ये है और दो ये, तो कपल होकर चार वाला कंपाउंड बनेगा और वो आपके पास ब्यूटेन बन जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास कोरे हाउस सिंथेसिस, प्रिपरेशन ऑफ हायर अनसिमेट्रिकल अल्केन्स, या यूँ भी आपसे पूछा जा सकता है कि कपलिंग ऑफ अल्काइल हैलाइड विद ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स।
कोरी हाउस सेड दिस इज शील बी बाइनरी रिएक्शन है. दिस मेथड वॉज डिवेलप इन लेट 1960s बाय ई जे कोरी एंड हर्बर्ट हाउस. इसलिए इनको कोरी हाउस सेड दिस इज भी कहा जाता है. ये भी कपलिंग रिएक्शन है और सिंथेटिक कंपाउंड आप इसकी मदद से बनाते. इसके अलावा कोरी हाउस के अलावा इसको कोरे पॉसनर वाइट साइड हाउस रिएक्शन भी कहा जाता है. तो कोरे हाउस सिंथेसिस है क्या? ये रिएक्शन भी तीन स्टेप्स में कंप्लीट होता है. सिंपल है लेकिन थोड़ा गौर से माइंड में रखना है कि अल्काइल हेलाइट को आपने ट्रीट करवाना होता है पहले स्टेप में लिथियम मेटल के साथ. अल्काइल हेलाइट आप लेंगे, लिथियम के साथ उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे और यहाँ पे भी ईथर ही आप ऐसा सॉल्वेंट यूज़ कर रहे होते हैं. फर्स्ट स्टेप में आपके पास बनेगा अल्काइल लिथियम. लिथियम का ट्रीटमेंट करवाया अल्काइल हेलाइट के साथ तो आपको अल्काइल लिथियम मिल गया. उस अल्काइल लिथियम को फर्दर आपने रिएक्ट करवाना होता है क्यूप्रस हेलाइट के साथ. जब क्यूप्रस हेलाइट के साथ करवाया कोरे हाउस ने तो उन्हें प्रोडक्ट मिली लिथियम डाई अल्काइल क्यूप्रेट. ये जो लिथियम डाई अल्काइल क्यूप्रेट बना उसके अंदर उन्होंने फर्दर ऐड कर दिया सेकेंड अल्काइल हेलाइट. जो आपने वर्ड्स पढ़ा था ना उसमें इनिशियली आप जो है वो ले लेते हैं अल्काइल हेलाइट, एक ही दफ़ा ऐड करवा रहे होते हैं. लेकिन यहाँ पे आप दो दफ़ा ऐड करवा रहे हैं. पहले आपने अल्काइल हेलाइट ऐड करवाया, उसके बाद दोबारा आपने सेकेंड अल्काइल हेलाइट ऐड करवाया. इसलिए अब पहले वाला अल्काइल हेलाइट फॉर एग्जाम्पल दो कार्बन वाला था और सेकेंड वाला एक कार्बन वाला है, तो आप यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाले अल्केन्स भी बना सकते हैं जो कि अनसिमेट्रिकल होते हैं. अच्छा, जब आप सेकेंड अल्काइल हेलाइट यहाँ पे ऐड करवाएंगे तो ऐसा रिजल्ट अल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी. साथ में आपके पास जो है बाकी बाई प्रोडक्ट्स ऑर्गेनो कॉपर और लिथियम हेलाइट वो अलग हो जाएंगे. तो क्या किया है ओवरऑल, आपने पहले स्टेप में अल्काइल हेलाइट का ट्रीटमेंट करवाया लिथियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो आपको बन मिल गया अल्काइल लिथियम. उसमें आपने क्यूप्रस हेलाइट को ऐड करवाया तो लिथियम डाई अल्काइल क्यूप्रेट. फिर आपने सेकेंड अल्काइल हेलाइट को ऐड करवाया तो उसके रिजल्ट में उनको अल्केन मिल गया और साथ में ऑर्गेनो कॉपर और लिथियम हेलाइट जो है वो अलग हो गए. तो कोरे हाउस ने जब ये रिएक्शन परफॉर्म करवाया था तो जो इनिशियल उन्होंने लिया था अल्काइल हेलाइट वो आप प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी यूज़ कर सकते, लेकिन जो सेकेंड आपने ऐड करना है वो प्राइमरी अल्काइल हेलाइट ऐड करते. तो इस तरह से आप अनसिमेट्रिकल अल्केन भी बना सकते हैं. तो कोरे हाउस रिएक्शन को प्रेफर किया जाता है वर्ड्स रिएक्शन पे, वो इसीलिए कि वर्ड्स की मदद से आप इवन नंबर ऑफ कार्बन वाले अल्केन्स बना सकते हैं. लेकिन कोरे के लिए आपके पास चॉइस है कि आप ऑड नंबर वाले भी बना सकते हैं, इवन नंबर वाले भी बना सकते हैं, क्योंकि आपने अल्काइल हैलाइड अलग अलग ऐड करने, तो आप दोनों तरीकों से प्रिपेयर कर सकते हैं. कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की इनकी बात करें तो जो फर्स्ट फोर मेम्बर्स हैं मीथेन इथेन प्रोपेन और ब्यूटेन ये गैशियस फॉर्म में होते. नेक्स्ट जो मेंबर है C5 से 17 तक ये लिक्विड्स होते हैं और इसके हायर वाले जो है वो वैक्स लाइक सॉलिड्स होते हैं और अल्केन जो है वो नॉन पोलर होते हैं, ये बात हम ऊपर भी देख चुके हैं. उसके बाद है केमिकल रिएक्शन. ये हमने देखे प्रिपरेशन मेथड जिसमें आपकी प्रोडक्ट जो थी वो अल्केन थी. अब आपने केमिकल रिएक्शंस देखने हैं जिसमें आपने रिएक्टेंट्स में अल्केन को लेना है. तो केमिकल रिएक्शन में हेलोजिनेशन के बारे में आप स्टडी करेंगे और एरोमेटाइजेशन के बारे में. हेलोजिनेशन में फर्दर क्लोरीनेशन और आयोडीनेशन आपने देखनी है. क्लोरीनेशन में फिर आपके पास अगर लिमिटेड सप्लाई है क्लोरीन की और एक्सेस है तो फिर क्या होगा. और उसके बाद जो है अगर आप आयोडीन के साथ रिएक्शन करवा के आयोडीनेशन करवाते हैं तो वो उसके लिए आपको आयोडिक एसिड वगैरह यूज़ करना पड़ता है. वो क्यों यूज़ करना पड़ता है उसकी रीज़न भी हम देखेंगे. और एरोमेटाइजेशन में आप एरोमेटिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करेंगे. तो हम पहले देख लेते हैं कि आपके पास क्लोरीनेशन क्या है. हेलोजिनेशन के टर्म में आप इसको स्टडी करते हैं. ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करवाया जाता है हेलोजन के साथ, इसे बोलते हैं हेलोजिनेशन. अब ये हेलोजिनेशन जो है ये आप लिमिटेड सप्लाई में करवाएंगे तो जाहिर सी बात है
फॉर एग्जाम्पल आपने मीथेन की क्लोरीनेशन करवाई तो क्लोरोमीथेन बन गया, अगर आपके पास सप्लाई कम होगी तो क्लोरोमीथेन भी रिएक्शन रुक जाएगा, लेकिन अगर एक्सेस में क्लोरीन अवेलेबल होगी तो वही सेकेंड स्टेप में डाई क्लोरोमीथेन बन जाएगा, फिर ट्राई क्लोरोमीथेन और टेट्रा क्लोरोमीथेन तक जो रिएक्शन आपका प्रोसीड करेगा। इस रिएक्शन की कंडीशन ये होती है कि या तो आपको हीट प्रोवाइड करना पड़ती है या यूवी लाइट। रिएक्शन जो है हम क्लोरीन के साथ करवा रहे अल्केन इज ट्रीटेड आर हीटेड आर रिएक्टेड विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट आर हाई टेम्परेचर, आमतौर पे यूवी लाइट के प्रेजेंस में करवाया जाता है, हेलो अल्केन्स की फॉर्मेशन होती है। जनरल रिएक्शन आप देख सकते हैं, ये आपका अल्केन है, क्लोरीन के साथ आपने ट्रीट करवाया, ये HCl बन जाएगा और ये अल्काइल हेलाइड बन जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन है तो अल्काइल क्लोराइड बन जाएगा, और मीथेन के साथ आपने करवाया तो यहाँ पे हमने जनरल लिया था, यहाँ पे हमने मीथेन ले लिया, ये HCl निकल जाएगा और ये आपके पास मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। क्लोरीनेशन जो है, अब सबसे पहले आप देख लें कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और क्वार्टरनरी कार्बन कौन सा होता है। ये जो कार्बन सिर्फ एक कार्बन के साथ लिंक है ये प्राइमरी कार्बन है, जो कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन के साथ लिंक है ये सेकेंडरी कार्बन है, ये कार्बन डायरेक्टली तीन कार्बन के साथ लिंक है ये टर्शियरी कार्बन है, और ये कार्बन डायरेक्टली फोर कार्बन के साथ लिंक है ये क्वार्टरनरी कार्बन है। तो जब आपने हेलोजिनेशन करवाई या क्लोरीनेशन ही कह लें, क्लोरीनेशन करवाई प्रोपेन की, तो आपके पास फर्स्ट केस में बना है 1-chloroprpropane और सेकंड में बना है 2-chloroprophane। अब 2-chloroprophane की जो शील्ड है वो ज़्यादा आ रही है और 1-chloroprophane की जो शील्ड है वो कम आ रही है। यहाँ पे आपके पास ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है और ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है जो आपके पास 20% शील्ड दे रहा है। यहाँ पे शील्ड माइनर आ रही है और यहाँ पे मेजर आ रही है, वो भी हम देखते हैं कैसा क्यों होता है। ये जो क्लोरीनेशन होती है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करता है रिएक्शन। दिस रेडिकल इज मोर स्टेबल। आप देखें, आपके पास जब रेडिकल बनता है तो उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है। जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं इनकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होती है। अब ये वाला जो सेकेंडरी वाला कार्बन है इसमें आप देखें तो दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं इस सेंट्रल कार्बन को, तो यहाँ पे स्टेबलाइजिंग इफेक्ट ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसकी यील्ड ज़्यादा आपको मिलती है। लेकिन प्राइमरी वाले केस में जब आपके पास फ्री रेडिकल बनेगा तो उसको स्टेबलाइजेशन एक कार्बन के थ्रू मिल रही होगी, क्योंकि वो डायरेक्टली एक कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए वहाँ पे स्टेबलाइजिंग इफेक्ट कम होगा, इसलिए यहाँ पे आपको यील्ड भी फिर कम मिलती है। जब आप एक्सेस क्लोरीन के साथ करवाते हैं, कंडीशन वही है कि यूवी लाइट दें या हाई टेम्परेचर दें, तो अब आपके पास देखें क्लोरीन एक्सेस में होगी तो रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा, बल्कि फर्स्ट स्टेप में क्लोरोमीथेन एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन के साथ, सेकंड में एक हाइड्रोजन फर्दर रिप्लेस हो जाएगा, थर्ड में एक मजीद रिप्लेस हो जाएगा, और फोर्थ में जो फोर्थ हाइड्रोजन था वो भी रिप्लेस हो जाएगा हाइड्रोजन के साथ, और जो एक्सेस में आपके पास अल्टीमेट प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा। इन सब के अपने अपने यूजेस भी होते हैं। तो ये आपके पास है मिथाइल क्लोराइड, इसका IUPAC नेम होता है क्लोरोमीथेन, ये हम रेफ्रिजरेंट के तौर पे यूज़ करते हैं सिलिकॉन्स वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग में। ये सिलिकॉन बनाने के तरीके में हम देख भी चुके हैं कि मिथाइल सिलिकॉन्स हमने बनाए थे जब, और इसके अलावा मिथाइल सेलुलोज बनाने में, सिंथेटिक रबर बनाने में, जो डाइक्लोरोमीथेन है इसे मिथाइलिन क्लोराइड भी कहा जाता है, लेबॉरेटरी रिएजेंट के तौर पर, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ होता है। जो क्लोरोफॉर्म है ट्राइक्लोरोमीथेन भी इसको कहते हैं, ये भी इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, और टेट्राक्लोरोमीथेन जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड भी इसको हम कहते हैं, ये ड्राई क्लीनिंग सॉल्वेंट के तौर पे फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह में यूज़ होते हैं, लेकिन आजकल इससे जो बेस्ट और इससे ज़्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सब्स्टिट्यूट आ गए इसके, तो इसको ज़्यादातर इसको रिकमेंड नहीं किया जाता। अब हम बात करते हैं क्लोरीनेशन के बाद आयोडीनेशन की, कि आयोडीनेशन के लिए हम आयोडिक एसिड क्यों यूज़ करते हैं। जब आप अल्केन को ट्रीट करवाते हैं आयोडीन के साथ तो आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत होती है। यहाँ पे आयोडिक एसिड ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा होता है, आप इसकी जगह पे नाइट्रिक एसिड या मर्क्यूरस ऑक्साइड वगैरह भी ले सकते हैं। तो जब आप करवाते हैं अल्केन का रिएक्शन आयोडीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो अल्काइल आयोडाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे आप देख लें कि आपने मिथेन की करवाई तो मिथाइल आयोडाइड बन गया, इथेन की करवाई तो इथाइल आयोडाइड। अब यहाँ पर ज़रूरत पड़ती क्यों है, ये ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जब आपने फ्लोरीन की फ्लोरीनेशन करवाई अल्केन की तो डायरेक्टली मिथाइल फ्लोराइड बन गया, जब आपने क्लोरीनेशन करवाई तो मिथाइल क्लोराइड बन गया, जब आपने ब्रोमिनेशन करवाई तो मिथाइल ब्रोमाइड बन गया। और ये तीनों रिएक्शन आप देख रहे हैं कि हमने सिंगल हेडेड एरो के साथ जाहिर किए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो रिएक्शन रिवर्स नहीं हो रहा।
लेकिन इस फोर्थ रिएक्शन में अगर आप देखें तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। यहाँ पे आपके पास जब बनता है आयोडो मीथेन तो साथ में हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन होती है। ये हाइड्रोजन आयोडाइड एक अच्छा एसिड होता है, ये अच्छा एसिड होने की वजह से रिएक्शन को रिवर्स करवा देता है, ये प्रोटॉन दोबारा से डोनेट करता है और आयोडीन की फॉर्मेशन दोबारा से होने लग जाती है। अब यहाँ पे फिर यील्ड कम हो जाती है, इसलिए फिर आप यूज़ करते हैं कोई भी स्ट्रॉन्ग किस्म का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये नाइट्रिक एसिड, मर्क्यूरियस ऑक्साइड या आयोटिक एसिड, ये आप ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं। और इन एग्जांपल में, इन नीचे वाले रिएक्शंस में आप देख सकते हैं कि ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही अपना रोल प्ले कर रहा है। मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन के मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो ये मेनली प्रोसीड करता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। फ्री रेडिकल्स बनते हैं जब आपके पास होमोलाइटिक ब्रेकेज होता है। ये होमोलाइसिस और हेट्रोलाइसिस क्या है? अगर आपका कंपाउंड हो नॉन पोलर और आप उस पर यूवी लाइट या हीट फॉल करवाएं तो वो इलेक्ट्रॉन की डिवीजन जो होती है वो सिमेट्रिकल होती है। ये जनरल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में हमने देखा था कि एक बॉन्ड की जगह पे दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर होमोलाइटिक ब्रेकेज होगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को मिल जाएगा, और अगर हेट्रोलाइटिक ब्रेकेज होगा तो फिर होता ये है कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट को मिल जाते हैं, यानी एक साइड पे एनायन बन जाता है और दूसरी साइड पे कैटायन बन जाता है जब हेट्रोलाइटिक जो फिजन होती है। लेकिन यहाँ पे होमोलाइसिस हो रही होती है या होमोलाइटिक फिशन भी इसको कह रही होती है। होमोलाइटिक फिशन में होता क्या है कि आप यूवी या हाई टेम्परेचर को फॉल करवाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होता है कि दोनों जो एडजेसेंट एटम्स होते हैं उनको एक एक इलेक्ट्रॉन्स मिल जाता है। जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो उन स्पीशीज को कहा जाता है फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स आमतौर पर गैशियस स्टेट ऑफ रिएक्टेंट जब आपके पास हो उस सूरत में आप बना सकते हैं, और जो रिएक्टेंट्स हैं वो आपके नॉन पोलर हो, क्योंकि जहाँ पे पोलैरिटी होती है वहाँ पे फिर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाते हैं और वहाँ पे हेट्रोलाइटिक ब्रेकेज होता है। हाई टेम्परेचर या यूवी लाइट आप देते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट जो है वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म प्रोसीड कैसे करता है। सबसे पहले स्टेप में फ्री रेडिकल जनरेट होता है। ये आपके पास है क्लोरीन का मॉलिक्यूल, हीट या लाइट इस पर फॉल करेगी, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को मिल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को, यूँ ये दो फ्री रेडिकल्स बन गए, क्लोराइड रेडिकल्स। पहले स्टेप में चेन इनिशिएशन होती है, और चेन इनिशिएशन फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन के साथ ही होती है, और फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है जब आप यूवी लाइट या हाई टेम्परेचर फॉल करवाते हैं इस बॉन्ड पे। सेकंड स्टेप में अब ये चेन प्रोपगेट करती है। प्रोपगेशन में ये होता है कि फ्री रेडिकल, अब चूंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो रिएक्टिव स्पीशी है, वो जाके इस मॉलिक्यूल पे अटैक कर देती है। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ पे भी होमोलाइटिक ब्रेकेज होता है, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन मिथाइल को मिल जाता है और एक हाइड्रोजन को। जो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बनता है वो क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ मिलके बॉन्ड बना लेता है, और जो मिथाइल फ्री रेडिकल होता है, अब ये चूंकि फ्री रेडिकल बन गया तो ये रिएक्टिव हो जाता है। अब जो आपके पास इस स्टेप में ये काम हो गया कि मिथाइल फ्री रेडिकल जनरेट हो गया, इसी तरह से ये प्रोसीड करेगा, जो मिथाइल फ्री रेडिकल बना है वो अब क्लोरीन के ऊपर, चेन अब प्रोपेगेट हो रही है तो अब ये क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है ये आके उस पर अटैक करेगा, क्योंकि अब ये फ्री रेडिकल है, ये रिएक्टिव है, तो यहाँ पे होमोलाइटिक ब्रेकेज होगा तो क्लोराइड फ्री रेडिकल दोनों अलग हो जाएंगे, एक क्लोराइड फ्री रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन वो क्लोराइड फ्री रेडिकल देगा, एक मिथाइल के पास है, ये शेयर करके बॉन्ड बना के मिथाइल क्लोराइड बना लेंगे। इस तरह से ये चेन जो है ये प्रोपगेट होती रहेगी, और उसके बाद जब टर्मिनेट करवाना होता है, जब रिएक्शन स्टॉप होना होता है, तो वो जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं वो यूटिलाइज हो जाते हैं। जैसे क्लोरीन क्लोरीन फ्री रेडिकल ने मिलके दोबारा से क्लोरीन मॉलिक्यूल बना दिया, ये मिथाइल फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल ने मिलके मिथाइल क्लोराइड बना दिया, और मिथाइल फ्री रेडिकल या मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ मिलकर सिंपल अल्केन बना लेंगे। जब फ्री रेडिकल्स एंड हो जाएंगे तो यहाँ पर आपका रिएक्शन टर्मिनेट हो जाएगा, रुक जाएगा।
उसके बाद है एरोमेटाइजेशन, नाम से पता चल रहा है, जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। जब आप एन हेक्सीन लेते हैं और उसको पास करवाते हैं क्रोमियम ऑक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, उसको सपोर्ट करता है एलोमिना 873 केल्विन पे, तो बेंजीन की फॉर्मेशन होती है। होता ये पहले स्टेप में होता है रिंग क्लोजर। रिंग क्लोजर यूँ होता है कि एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है और एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और ये आपके पास सिंपल साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। उसके बाद होगी इसकी डीहाइड्रोजिनेशन। डीहाइड्रोजिनेशन में फर्दर इसमें से जब रिंग क्लोज हो जाएगा, तीन मॉलिक्यूल फिर मजीद हाइड्रोजन के निकलेंगे और आपके पास एडजेसेंट सिंगल डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। यूँ ओवरऑल आपके पास फोर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे होते हैं। अगर आप यहाँ पे हमने यूज़ किया हेक्सेन जिसमें सिक्स कार्बन होते हैं, अगर आप हेप्टेन यूज़ करेंगे तो आपके पास डायरेक्टली जो है यहाँ से रिंग क्लोजर होगा और ये एक अल्काइल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट होगा और इसका नाम होता है टॉलिन, ये स्पेशल नेम है इसका। उसके बाद है ये उसी का बताया हुआ साइक्लाइजेशन कैसे हो रही है, कि ये हेक्सेन है ये उसका लाइन स्ट्रक्चर है। साइक्लाइजेशन हुई जिसमें आपके पास पहले स्टेप में साइक्लोहेक्सेन बना यानी रिंग क्लोजर हुआ, उसके बाद बेंजीन बन गया। इस रिएक्शन में पहले स्टेप में एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिमूव होके रिंग क्लोज करवाएगा और फिर फर्दर थ्री मजीद रिमूव होके इसको एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे आपका अल्कीन्स वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से अल्कीन स्टार्ट हो जाता है। अल्कीन्स का हम थोड़ा सा जनरल देखेंगे, बाकी डिटेल हम इसको कल देखेंगे। अल्कीन वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इनको ओलिफिन्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनके जो मेम्बर्स हैं जब वो रिएक्ट करते हैं हैलोजन के साथ लोअर मेम्बर्स मेनली, तो ऑयली नेचर की प्रोडक्ट बनती है। ऑयल फॉर्मेंट एबिलिटी की वजह से इनको ओलिफिन्स कहा जाता है। अगर आपने एफएससी में प्लांट्स हार्मोन्स को पढ़ा है तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि इथाइलीन एक प्लांट हार्मोन होता है जो कि टोमेटोज या एप्पल्स वगैरह में राइपनिंग कॉज करवाता है। ये एमसीक्यू उसमें पूछा जा सकता है। अल्केन्स जो इनमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो एटलीस्ट टू कार्बन्स होने चाहिए। सिंपलेस्ट मेंबर इनका इथाइलीन होता है, आइसोपैक नेम इसका इथीन होता है, तीन कार्बन वाला प्रोपीन, चार वाला ब्यूटीन, और फिर अगर आपने मतलब कार्बन तीन से एक्सीड कर रहे हैं तो आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बताना होती है। और आपने जब नंबरिंग करना होती है, नंबरिंग आप उस साइड से करते हैं जहाँ से आपके डबल बॉन्ड को लोअर नंबर मिले, तो यहाँ से अगर हम करते हैं तो इसको थर्ड नंबर मिलता, यहाँ पर इसको फर्स्ट मिल रहा, तो हमने फर्स्ट वाली साइड से नंबरिंग स्टार्ट की, तो ये वन ब्यूटीन, ये टू ब्यूटीन होगा जब सेकेंड कार्बन पर डबल बॉन्ड होगा। और अगर सब्स्टिट्यूट भी अटैच हो जाएगा तो जिस पोजीशन पे अटैच है आपने वो बता देनी है, जैसे ये है टू मिथाइल वन प्रोपीन। प्रिपरेशन मेथड्स की बात करें तो हम डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से इसको बनाएंगे और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड से, लेकिन वो हम कल इंशाल्लाह यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आपका आज वाला जो टॉपिक था वो कम्प्लीट हो गया है।